नमस्कार किसान भाइयों, मैं नीलकंठ फ्रूट नर्सरी से लाइव हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा ग्राफ्टिंग स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे लुतुकसा भावानगर जो नीलकंठ फ्रूट नर्सरी प्लांट है, वहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये कि ताकि भगवान भाइयों को ट्रस्ट हो जाए। ये आप देख सकते हैं, अभी अभी ग्राफ्टिंग स्टार्ट हो चुका है। ये सारे जो भी ग्राफ्टिंग स्टिक्स देख सकते हैं, जो भी साइन वुड्स है, ये हमारे अपने ऑर्चर्ड से लगाए जाते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर 10 से 15 बीघा के अंदर सारा ग्राफ्टिंग हो चुका है। अभी हम नीलकंठ फ्रूट नर्सरी के ओनर से भी बात कराएंगे और ग्राफ्टरों से भी आपकी बात कराएंगे। आप देखिए, हमारा फील्ड है, सारा ग्राफ्टिंग स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। ये आप नीचे देख सकते हैं, नीचे बेड में सारा ग्राफ्टिंग हो चुका है। ग्राफ्ट देख सकते हैं आप, डिफरेंट वैरायटीज के ग्राफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर। हम आपसे बात कराते हैं, अभी देख सकते हैं किस तरह से प्रोग्रेस में हमारे ग्राफ्टर्स भाई लोग। ये देखिए जी, ये हमारे नीलकंठ फ्रूट नर्सरी के ओनर है जी। बताइए यहाँ पर कौन से वैरायटीज है, क्या क्या कौन से वैरायटीज की ग्राफ्टिंग हो रहे हैं, कितने ग्राफ्ट कर चुके हैं आप? हमारे किन्नौर के किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हमारा ग्राफ्टिंग चालू हो चुका है और सेल के लिए हमने बंद कर दिया अब, और आने वाले दिसंबर की तैयारियां चल रही है। ग्राफ्टिंग हो चुका है, सफर बेल्ट हमारा नीचे हो चुका है, लगभग 8-10 वैरायटीज़। अभी हमारे ये प्लेन रॉयल, स्पॉट रॉयल, डार्क जो रॉयल जो चलता है वो अभी हमारा चला हुआ 10,000 के आसपास ग्राफ्टिंग होना है। और हमारा सबसे पहले मोटो क्या रहता है, ग्राफ्टिंग लेवल हमेशा 6 से ऊपर रखते हैं हम लोग। देख सकते हैं तो 6 कम से कम, 6-7 इंच से ऊपर देखो, जैसे ग्राफ्टिंग स्टैंडर्ड जो है हमेशा 6 से ऊपर होना चाहिए। और हमारे जो नीचे जो नर्सरी मैन से वो ग्रोथ के चक्कर में वो बिल्कुल नीचे जमीन लेवल से ग्राफ्टिंग करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ग्राफ्टिंग लेवल कम से कम 6-7 इंच होना चाहिए। बाकी हमारे जो ग्राफ्टर है ये पिछले 3 सालों से हमारे कर रहे हैं अभी। जी मैं इनसे पूछना चाहूँगा ब्रदर, आप बताइए हमें कितने साल से यहाँ पर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं? हम 3 साल से। अच्छा 3 साल से कर रहे हैं, अभी 15,000 तो हो चुके हैं। अच्छा 15,000 ग्राफ्ट कर चुके हैं आप अभी? हाँ। अच्छा और कितने करने वाले ग्राफ्टिंग? कर देंगे अभी 10-15,000 और। अच्छा 10-15,000 ग्राफ्टिंग और पेंडिंग है जो करेंगे आप। ओके तो यहाँ पर बताइए सर, कौन कौन से वैरायटीज है आपके पास यहाँ पर? ये हमारे लगे हैं अभी सिर्फ 3 ही वैरायटी लगते हुए अभी तक हमारे। पहला लगा हुआ स्कारलेट और सुपर चीफ लगा हुआ है, अभी हमारे पास लगा हुआ है रॉयल, रॉयल में भी है और गाला, और जो गाला वैरायटीज है वो अभी हमारे लगने हैं बाद में, और ग्रेनी स्मिथ के भी सारे वैरायटी बाद में लगने हैं। अभी हमारे पास 3 और 4 वैरायटीज लग चुके हैं अभी इस वक्त कौन सा लग रहा है नवीन? रॉयल का। हाँ रॉयल, प्लेन रॉयल जो हमारा ब्लैक रॉयल जो है अभी लग रहा है। इसमें कम से कम कितना होना है नवीन? 10-12,000 हमारे रॉयल के लग रहे हैं जी। और हमें आशा है कि इस वर्ष हम 2024 को हम जो तैयार कर रहे हैं कम से कम ग्राफ्टिंग 30,000 से 40,000 पौधा हमने तैयार करना है हमारे किन्नौर के बागवान भाइयों के लिए। और ये खुशखबरी कि हम खुद पार्टी तैयार करके और हम इस तरीके से हम जो है पौधे तैयार करते हैं, और हमारे जो 4-5 वर्कर देने लगे रहते हैं। इसमें कोई इरीगेशन का कोई स्कोप ही नहीं है, नॉन इरीगेशन है, सारा ऊपर वाले के भरोसे से हम पौधे तैयार करते हैं। और ग्राफ्टिंग हमारा अपने बगीचे ऑर्चर्ड से हम बाहरों से लेकर ग्राफ्टिंग करते हैं जी। सारा हमारा वर्डपुट जो है हमारे घर से आता है, और जो हमारा ऑर्चर्ड लगा है लगभग 20-25 वेराइटीज हमारे ऑर्चर्ड में लगे हैं, चाहे सफर वेराइटीज बोलो चाहे ट्रेडिशनल फ्रूट्स है। तो हमारा मोटो ये रहेगा कि कोशिश हमारा ये रहेगा कि स्वास्थ्य से हेल्दी पौधा हम अपने बागवानों को तक पहुँचाएँ, ये हमारा पूरा कोशिश रहेगा। बाकी विश्वास आपका, कर्तव्य हमारा, सेवा हमारा।